सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। हमीरपुर में बोले कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, ठंड उनको लगती है जो भूखे पेट होते हैं। निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री। अयोध्या में गायक गौरीशंकर दास गवैया का निधन, लंबे समय से बीमार थे, आज होगा अंतिम संस्कार। बिना अनुमति के भारत में रह रहा विदेशी नागरिक गिरफ्तार, आगरा के कस्बा अनछेनरा में पकड़ा गया इराकी नागरिक। बागपत में ससुरालियों ने गर्भवती को पीट पीट कर घर से निकाला, अतिरिक्त दहेज की कर रहे थे मांग, 10 महीने पहले हुई थी शादी। वाराणसी में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम, खराब मौसम के चलते रात में काशी में ही रुके सीएम, 14 जनवरी तक प्रचंड ठंड का अनुमान। अयोध्या में 275 पेटी इंग्लिश शराब बरामद, 8 तस्कर गिरफ्तार, हरियाणा से आसाम जा रही थी डाबर की दवाओं के बीच छिपाई गई थी। गोमंतू गिरोह के दस्तक से पहले पुलिस अलर्ट, डीजीपी ने गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश, 10 सालों की घटनाओं के संदिग्धों पर रखे नजर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का अनोखा पत्र, का छुट्टी दे दो, महीने भर पहले हुई शादी, नाराज पत्नी बार बार काट रही है कॉल। यमुना एक्सप्रेसवे से 20 फीट नीचे गिरा ट्रक, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल, टमाटर लेकर एमपी से मेरठ जा रहा था। ताजमहल पर अनुपम खेर ने ली गुरु रंधावा से क्लास, अनुपम बोले मुझे प्यार भरा गाना सिखाओ, गुरु ने कहा किसके लिए गाओगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 हादसे, 7 की मौत, कोहरे के कारण कन्नौज में स्लीपर बस खड़े ट्रक से टकराई। श्रावस्ती में 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद, भीषण ठंड को देखते हुए डीएम ने शाम जारी किया आदेश। नोएडा एक्सप्रेस वे पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, मादक पदार्थों की करता था तस्करी, करीब 10 लाख रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए गए। हाथरस में गिरते भूगर्भ जलस्तर को लेकर विभाग अलर्ट, छापा मारने के लिए टीमें हुई गठित, 10 साल से लगातार हो रही गिरावट। औरैया में ठंड लगने से मजदूर की मौत, 15 दिन पहले पिता ने तोड़ा था दम, परिजनों की प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। रायबरेली में तेज रफ्तार आर्टिगा ने 4 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक की हालत नाजुक, ड्राइवर समेत कार को पुलिस ने कब्जे में लिया। उन्नाव में डीसीएम से टकराई स्लीपर बस, 4 की मौत, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, यात्री ने बताया ड्राइवर ने होटल में पी शराब। सैफे मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर हत्या का मुकदमा, हॉस्टल के कमरे में मिला था एमबीबीएस छात्र का शव, सीएम ऑफिस तक पहुंचा था मामला। हापुड़ में राखी के नाम पर 9.42 लाख हड़पे, रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस, जुलाई 2022 में दिया था ऑर्डर। बरेली में पिता पुत्र पर बदमाशों ने चलाई गोली, दोनों गंभीर हालत में बरेली के लिए रेफर, परिजनों ने प्लॉट विवाद को बताया वजह। न
चुनाव में उत्पात मचाने वाली दो स्वाट टीम सिपाही लाइन हाजिर, एसपी ने देर रात की कार्रवाई, कुल 28 पुलिस कर्मियों के हुए तबादले। बुलंदशहर में शीतलहर के चलते 14 जनवरी तक स्कूल बंद, 1 से 12 तक की कक्षाएं नहीं चलेंगी, डीएम ने जारी किया आदेश। अमरोहा में वकील ने किया महिला का बलात्कार, तारीख पर कोर्ट आई थी महिला, साथी वकीलों ने थाने पर किया हंगामा। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 25,000 के इनामी के पैर में लगी गोली, तमंचा और कारतूस बरामद। बदायूं में विवाहिता की हत्या में पति और ससुर गिरफ्तार, पिता बोले दहेज के करते थे प्रताड़ित, फंदे पर लड़का मिला शव। मेरठ के पूर्व मंत्री याकूब और उसके बेटे को होगी उम्र कैद, सरकारी वकील का दावा, चार्ज इतने गंभीर की बेल भी नहीं मिलेगी। दो महीने की दोस्ती में आरती बनी कातिल, पति के नहीं रहने पर लवर को करती थी न्यूड कॉल, अरेस्ट होने पर बोली पति टॉर्चर करता था। रंगनाथ भगवान का बैकुंठ उत्सव, माखन चोर लीला हुए दर्शन, भक्तों ने भगवान को सुनाए भजन। शाहजहांपुर में आवारा पशु से किसान परेशान, सरदरात में फसल की रखवाली को मजबूर, शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अनजान। पंचतत्व में लीन हुए केशरीनाथ त्रिपाठी, प्रयागराज में बेटे नीरज त्रिपाठी ने दी मुखाग्नि, अंतिम दर्शन को बड़ी भीड़। अलीगढ़ में तेल के स्पेलर में फंसने से युवक की दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा पहुंचे पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल, पूर्व सांसद ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ। अलीगढ़ में बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए विशेष टीकाकरण की हुई शुरुआत, स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर हुई शुरुआत। अमरोहा पहुंचे पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर, पूर्व सांसद ने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के निर्माण कार्य का लिया जायजा। औरैया में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई कई गाड़ियां, हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। बदायूं में अज्ञात जानवर के हमले में 44 भेड़ मौत, मौत से घाट क्षेत्र में दहशत का माहौल, पूरा मामला अलापुर थाने के कस्बा का है। औरैया में इरवाकटरा थाना अध्यक्ष जीवाराम का सराहनीय कदम, थाना अध्यक्ष ने गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण किया। चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे अखिलेश को दी नसीहत, बोले अखिलेश यादव कानून के अनुसार आचरण करें। औरैया में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी मोदी नगर अवधेश त्रिपाठी को किया लाइन हाजिर, साथ ही एसपी का किया स्थानांतरण। गोंडा में छोटे ने बड़े भाई की हत्या की, जमीनी विवाद में कहा सुनी होने पर मारा भाला, पिता ने बड़े बेटे के नाम पर कर दी थी सारी संपत्ति। गाजियाबाद में ऑटो चालक की मौत पर हंगामा, परिजन बोले एक्सीडेंट के बाद पुलिस पकड़ कर ले गई और खूब पीटा।
हरदोई में ट्रैक्टर की टक्कर से गिरा बिजली का पोल, छात्र की दबकर दर्दनाक मौत, ड्राइवर हुआ फरार। कासगंज में दिनेश चंद और ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, टूर्नामेंट में दूर दराज से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। रायबरेली में वीडियो के पैसे की डिमांड न पूरी होने पर आवास लिस्ट से काटा नाम, पीड़ितों ने डीएम से की शिकायत। सपा ने विनय पाठक के खिलाफ खोला मोर्चा, विधायक ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर रखा सामान, समारोह कहा तुसी ग्रेट हो। रायबरेली में रहस्यमय ढंग से लापता हुआ साइकिल व्यवसायी, परिवारजनों ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया। संभल में सांसद सफीकुर रहमान वर्ग ने सरकार पर कसा तंज, बोले कोई भी पार्टी अपना काम आजादी से नहीं कर पाएगी। रायबरेली में लंबे अरसे से चल रहा था धर्म परिवर्तन, खेल पर पुलिस ने लगाया विराम, धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। सुल्तानपुर में शीतलहर के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, पिछले एक सप्ताह में जिले में शीतलहर जारी। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के मसले में बना रहे अमृत सरोवर के सीमेंट को हाथ से उखाड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में घना कोहरा होने से विजिबिलिटी हुई कम, घने कोहरे के चलते एयरपोर्ट की उड़ानें भी हुई प्रभावित। बुलंदशहर में घने कोहरे के चलते ट्रैक्टर से टकराई वैन और बाइक, हादसे में 6 यात्री घायल, घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में शीतलहर अलर्ट के बाद 14 जनवरी तक स्कूल बंद, डीएम ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्ड के स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए। बुलंदशहर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने मुसाफिर बने रैन बसेरा पहुंचे विधायक प्रदीप चौधरी, विधायक ने जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। हमीरपुर में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर पुलिस की सराहनीय पहल, पुलिस हाईवे पर वाहन चालकों से वाहनों में फोग लाइट लगवाने व कम स्पीड पर चलाने की अपील की। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में वायदा का फंदे से लटका मिला शव, माई के पक्ष ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। कुशीनगर में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता को मिली जान से मारने की धमकी, मोबाइल पर मैसेज भेजकर और वीडियो कॉल पर धमकी दी। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अगले 48 घंटे तक के लिए कोल्ड डे का अलर्ट, कानपुर के मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंप पर ताला तोड़कर हजारों की चोरी, चोरों ने नकदी समेत अन्य सामान किया पार। साइकिल चोरी कर भाग रहे युवक को राहगीरों ने जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ में होटल में डीजे बजाने का विरोध करना मेजर अभिजीत सिंह को पड़ा भारी, दबंगों के घर बार खड़ी मेजर की कार में लगाई आग। मेरठ में घर के बाहर खड़ी बाइक पर चोरों ने किया हादसा, बाइक चोरी करते समय सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद।
सुभाषपा प्रमुख का बड़ा ऐलान, प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोलेंगे ओम प्रकाश राज पर, बस्ती से लखनऊ तक करेंगे पैदल मार्च। संभल में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। आम आदमी पार्टी के फिरोजाबाद चुनावी प्रभारी ने की बैठक, बोले पूरे दमखम के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ेगी पार्टी। एक तरफा प्यार में छठवीं की छात्रा की भर्ती मांग, घर के बाहर चाकू की नोक पर लगाया सिंदूर, आठवीं में पढ़ता है आरोपी छात्र। भदोही के जर्जर 12 सरकारी स्कूलों का होगा निर्माण, स्कूलों के निर्माण से बच्चों को मिलेगा बड़ा लाभ, निर्माण के लिए बजट हुआ जारी। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने किया लैब का उद्घाटन, मंडलीय अस्पताल इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी लैब में जांच शुरू किया। पीलीभीत में युवक को खा गया बाघ, उत्तराखंड से मजदूरी कर वापस लौट रहा था, सुबह गनी के खेत में मिला शव। मुजफ्फरनगर में कोहरे और लुढ़के पारे ने बढ़ाई परेशानी, 4 डिग्री रहा तापमान, धूप से न निकलने के अलाव के सहारे बैठे लोग। प्रयागराज में हड़ताल पर डाककर्मी, 2 दिन पहले महिला वकील ने डाककर्मी को मारा था थप्पड़, प्रधान डाककर पहुंचे थे कर्मचारी। अकबर बंजारा का 6 करोड़ का मकान कुर्क, शास्त्री नगर में पुलिस सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल हुई, अब तक 35 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। औरैया में 2 हिस्सों में बंट गई मालगाड़ी, हादसा टला, तेज धमाका हुआ, पटरी से उतरने से बची यात्रियों की आवाज पर रोकी गई मालगाड़ी। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।